the spectrum of my exposure has become very eclectic. I'll have a morning tea with my childhood friend who still drives an auto rickshaw, and I can have my evening coffee in any TV with the whoever. So my spectrum of exposure has become very eclectic. I'm comfortable with both the ends of the spectrum. Let it be known that Vinod Dua was nobody's brother son, a famous person. He got to it on his own feet from this. हैदराबाद के बहुत ही मशहूर जायकों में से एक हैदराबादी थाली, एक तरह गुजराती थाली भी आपको दिखा चुके हैं, सूरत गए थे, आज हम आपको हैदराबादी थाली दिखाएंगे। ये शुद्ध वेजिटेरियन थाली है और इसको समझें। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है। जबकि जब डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि लाखों रुपए लाखों रुपए या करोड़ों रुपए आपको नदियों में बहते पाए जाएंगे, लोग जलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा पैसा सिस्टम में वापस आ गया है, यानी सारा लेजिट हो गया, कानूनी हो गया। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग उस स्कैनर के दायरे में आएंगे कि भैया तुमने कहाँ से कमाया था ये पैसा जो आपने जमा कराया, लेकिन वो जमा हो चुका है और वो बैंकों का पैसा नहीं है। बैंकों को उस पर इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, और वो लेजिटिमेट हो गया है, अब वो कानूनी हो गया है, यानी काला धन कानूनी हो गया है। ये जो नोटबंदी का खेल इन्होंने किया था वो उल्टा पड़ा है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो एक राजपुरुष एक स्टेट्समैन का भाषण होना चाहिए। जितने भी भाषण रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, उनसे होते हुए मोरारजी देसाई, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, उन सबके भाषण उपलब्ध है। कभी मौका लगे आपका और समय हो आपके पास तो उन भाषणों को भी थोड़ा पढ़ लीजिए और उनसे छांट लीजिए कि कितने चुनावी रैलियों जैसे भाषण थे और कितने राजपुरुषों जैसे, स्टेट्समैन जैसे भाषण थे। सर, ऐसे उर्दू से लगाव शुरू हुआ, फिर मेरे वाले साहब की जुबान भी उर्दू ही थी, हालांकि हम लोग फ्रंटियर से हैं तो हमारी अपनी जुबान दूसरी है, सिराइती है। तो उर्दू से इस तरह से लगाव हुआ जो अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा, इसका जो हिंदी और उर्दू के दरमियान एक फासला बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो नुक्ता हो, नुक्ते का इस्तेमाल हो या उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल, इसको कम कैसे, पहले तो आप इसे किस निगाह से देखते हैं, आपकी समझ क्या कहती है और आप इसे कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, वो जो सियासत थी हिंदी उर्दू वाली वो बहुत अरसे पहले खत्म हो गई। We have with us students of mass communication system from university and different colleges. So, an esteemed guest, Chinna Dua sir, speak to us very shortly. Problem of national integrity, social issues, poverty, inflation, etc., has to be solved.
in addition to this, there has been a series of mob lynching across the country. Secretary appeals to all the senior generation to then be extend their support to turn the vision of bringing awareness. Chalo, anchor. Thank you, Abdullah. A lot of people have come here early, so we'll keep the program short. I request Janab Zahidari Khan sir to say a few words on this occasion. Mojit Hazrin. सबसे पहले तो मैं अपने 5-10 मिनट दुआ साहब को देना चाहता हूं, इसलिए कि देर बहुत हो गई है. मैं चाहता हूं कि वो हम ज्यादा से ज्यादा जो यहां जमा हुए हैं इसलिए जमा हुए हैं कि दुआ साहब को सुने. अभी मैं दुआ साहब से दो बातें किया. एक है कि वो क्यों हैदराबाद मुंतकिल नहीं हो रहा, इसलिए कि हैदराबाद में आने वाला यकीनन आसमान को छू सकता है. दूसरी बात यह है कि मैं आपके हम ख्याल जो एंकर्स हैं मुख्तलिफ टीवीज के जरिए, जो आज अगर ऐसे 4-5 एंकर्स भी हमको मिलते हैं तो यकीन मानिए कि हमारे सारे मसाइल हिंदुस्तान के खत्म हो सकते हैं. मैं सैल्यूट करता हूँ दुआ के लिए कि उन्होंने जिस तरह से ईमानदारी के साथ अपने जर्नलिज्म को जारी रखा है उसकी मिसाल शायद हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती. ये बड़ा एजाज है उनके लिए और उनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है अब देखना यह है कि इस गवर्नमेंट में उनको क्या अवार्ड मिलता है. तो मैं बहुत शुक्रिया के साथ फ्रीडम का जो नया अखबार निकल रहा है, नौजवान एडिटर हैं, अखबार का निकालना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि रोजाना एक मैयत को दफन करने के बाद घर में दूसरी मैयत तैयार रहती है अखबार. ये आबिद अली खान साहब का सुझाव था और जिस हिसाब से अखबार को निकाला जाता है उसको जारी रखना ये बहुत बड़ा काम होता है. मैं जानता हूँ, मैं भी 50 साल से सियासत में काम कर रहा हूँ. सियासत आज मैं सियासत का एडिटर ज़रूर हूँ, लेकिन जो मेहनत आबिद अली खान साहब और जिगर साहब ने की उसका फल आज सियासत हासिल कर रहा है. ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैं आबिद अली खान साहब के कदम से कदम मिलाकर अपनी ज़िंदगी को जारी रखा और उम्मीद करता हूँ कि मरे दम तक सेकुलरिज्म के लिए, मुल्क की बखा के लिए सियासत का वक्त तैयार रहा. और ऐसे लोग अगर हमारे साथ रहें तो मुझे यकीन है कि सियासत ने जो काम किया है वो काम इंशाल्लाह आइंदा 2019 में पेश होगा. उसके लिए मैं आपके यहाँ आमद का खैर मकदम करता हूँ और यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ. ईएम फॉस्टर की एक किताब है हार्वर्ड्स एंड, जो हमें एमए अंग्रेजी के दौरान पढ़ाई गई थी. उसमें एक जगह लिखा हुआ है, हाउ डू आई नो व्हाट डू आई थिंक अनलेस आई सी व्हाट एवर आई सी. मुझे क्या मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं कि मैंने क्या बोला है. तो जो बोला उसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि मैं क्या सोच रहा हूँ. बिल्कुल इसी तरह जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखा जो मुझ पर था, मुझे अब समझ में आया कि मैं कौन हूँ. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, जमरुद्दीन साहब का, मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा जो परिवार है डेरा इस्माइल खान से है, जो अब वो इलाका पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है,
दरिया सिंध के उस पार साउथ वजीरिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक, हम लोग वहाँ से हैं। तो अगर मुझे कहा जाए कि मेरा भारत वाघा बॉर्डर से शुरू होता है और बांग्लादेश पर ख़त्म हो जाता है या म्यांमार पर ख़त्म हो जाता है, तो वो बात सही नहीं होगी। मेरे वजूद में डेरा इस्माइल खान है। बचपन से मैं किस्से सुनता आया हूँ डेरा इस्माइल खान के। मैं पहली पीढ़ी हूँ जो दिल्ली में पैदा हुआ या इस तरफ पैदा हुआ। मेरी ज़ुबान वहाँ की है, मेरा पहनावा वहाँ का है। जो शलवार कमीज़ पहनते हैं, ये ओरिजिनली हमारी पोशाक है। मैं कैसे मान लूँ कि मेरा भारत जो है या मेरा देश जो है वो सिर्फ वाघा बॉर्डर से म्यांमार तक है? क्यों? क्योंकि ये वाला जो देश है ये 1947 से वजूद में आया है। लेकिन जो मेरी चेतना है, मेरी कॉन्शसनेस है, वो काबुल से शुरू होकर और बर्मा से आगे जाती है। तो भारतीयता मेरे लिए एक छाते की तरह है, और 1947 से यही हुआ है। पिछले 70 साल में भारतीयता के छाते तले, तिरंगे के साए में हम अपनी अपनी अलग अलग पहचान लेकर रहते हैं। आप चाहें तो मज़हबी पहचान के साथ रह लें, आप चाहें तो जो कास्ट है उसकी पहचान के साथ रह लें, आप चाहें तो जिस इलाके से आप आते हैं उसकी पहचान ले लें कि मैं पंजाबी हूँ, हम पंजाबी नहीं हैं वैसे, मैं पंजाबी हूँ या मैं बिहारी हूँ या मैं बंगाली हूँ, हाँ, या मैं तेलुगु हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ। अपनी अपनी अलग अलग पहचान लेकर हम सिर्फ भारतीयता के छाते के नीचे रह सकते हैं। पिछले 70 साल में हमने बहुत कुछ किया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला बता रहे थे 7% है। हालांकि इसको लेकर कुछ सवाल होते हैं कि 7% है या नहीं है। बावजूद इसके इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर है, हमारी पूरी जीडीपी में 29.02% उसका कंट्रीब्यूशन है। सन 1960 में $80 थी हमारी जीडीपी पर कैपिटा, अब 1700 है, ठीक है, और गरीब अभी भी उतने ही हैं। आबादी बढ़ गई है, 34 करोड़ आबादी थी 1947 में, आज 134 करोड़ के करीब होने जा रही है। अगर हम भारत को, अपने देश को हॉरिजॉन्टली तीन उसमें बांटें, तो जो सबसे निचला तबका है वो अफ्रीका के कुछ गरीब ममालिक हैं वैसी ज़िंदगी जीता है। बीच का जो है हिस्सा वो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, मिडिल क्लास हमारी, वो उस तरह की ज़िंदगी जीती है। और सबसे ऊपर का जो तबका है वो किसी दरमियानी यूरोपियन कंट्री, कोई दरमियाना यूरोपियन मुल्क वैसी ज़िंदगी जीता है, और 1-1.25% लोगों के पास सारी क्रीम है, सारा पैसा है। 70 साल का एक तो ये तस्वीर बनता है। दूसरी बात, हमने जो हासिल किया है पिछले 70 साल में वो ये हासिल किया है कि हमारा सेक्युलरिज्म, हमारी लिबरल सोच, उसने ये मुमकिन किया है कि हम अपने अपने कुओं में मेंढक की तरह ना रहें। जो किसी एक सोच के दायरे में रहते हैं लोग, मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हामिद अंसारी साहब के बारे में कहा था कि आप फेयरवेल स्पीच जब देते थे तो उनको शोभा नहीं देता था, जेब नहीं देता था ऐसा कहना, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अपना ज़्यादातर करियर वेस्ट एशिया के ममालिक में बिताया जो मुस्लिम ममालिक हैं, इसलिए आपकी सोच का दायरा वही है। फिर उसके बाद आप माइनॉरिटी कमीशन में गए, उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, तो आपकी सोच का दायरा वही है। बीच में 10 साल आप कॉन्स्टिट्यूशन के साए में थे, तो तब छटपटाहट होती होगी आपको, लेकिन अब आप आज़ाद हैं वापस अपनी सोच के दायरे में जाने के लिए। ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक खास सोच के दायरे से बाहर निकल कर आए हैं। हामिद अंसारी साहब तो बहुत ही ज़हीन शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक ही सोच के दायरे से बाहर निकल कर आए हैं, और वो सोच है जिस संस्था के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका ताल्लुक है, और उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कंट्रोल नहीं कर पाया, बावजूद उसके आज भी उसी सोच के दायरे में है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी में,
और सेक्युलरिज्म में मुमकिन है कि अपनी अपनी सोच का जो छोटा सा दायरा है उससे हम बाहर निकलें, और भी दुनियाएं हैं, और भी लोग रहते हैं, उनको भी जानें। ये मुमकिन है सिर्फ डेमोक्रेसी में, वो भी लिबरल और सेक्युलर डेमोक्रेसी में। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा, हॉस्टल में गया, वहाँ देखा कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर थे, उड़ीसा से भी आए थे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए, और बंगाल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो एक दायरा बढ़ता है कि हाँ, और भी लोग रहते हैं, हमसे अलग तरह रहते हैं। और बिल्कुल जब थोड़ा सा आदत पड़ जाती है एक दूसरे के साथ रहने की, तो फ़र्क नहीं मालूम पड़ता। मेरा भाई है एक, मतलब भाई के समान है, वो कीनिया से आया था पढ़ने के लिए, अब्दुल हमीद अबू, मोम्बासा में रहता है वो। आज भी घरों में कोई शादी हो, कुछ भी हो, आना जाना लगा रहता है हमारा। क्यों? उसने ज़िंदगी के अपने बेहतरीन 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिताए। अब उसने हमें देखा, हमने उनको देखा, अलग अलग इलाकों से जो लोग आए थे एक दूसरे के साथ रहे, तो दिमाग की खिड़कियाँ भी खुली, वजूद थोड़ा रोशन हुआ कि सिर्फ अपने कुएं में मेंढक बन के नहीं रहना है। मतलब मुझे ये हैदराबाद है, ये तो हम अभी 20 दिन पहले जोधपुर में थे। काश जो लोग कहते हैं कि सब पर एक सी सोच थोपी जाए, एक सा पहनावा थोपा जाए, एक सा खाना थोपा जाए, काश वो लोग एक जुबान कोई और सीख लेते, उड़िया सीख लेते, उर्दू सीख लेते, तमिल सीख लेते, मराठी सीख लेते, तो पता चलता कि एक और भी दुनिया होती है। कुर्ग नाम का इलाका भी है जहाँ कोडवा लोग रहते हैं। अब जो कोडवा हैं, दे आर फाइटर्स, दे आर सोल्जर्स, आज भी उन्हें परमिशन है कि वो हथियार रख सकते हैं। हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा, वो कोडवा थे। जनरल थिमैया, वो भी कोडवा थे, ये ट्राइब है कोडवा। ये किसी भगवान की पूजा नहीं करते, किसी को, ये सिर्फ नदी की पूजा करते हैं, कावेरी नदी की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं। अब ये भी इनका लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल इसी तरह आप जहाँ जहाँ जाएंगे, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बोलियाँ हैं यहाँ पर, और ये मुमकिन तभी हो पाता है कि हमारा जो छाता है वो भारतीयता का छाता हो, किसी हिंदू राष्ट्र का ना हो। मुझे कतई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप एक पहचान नहीं थोप सकते। हम जिंदा हजारों सालों से इसलिए रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारे। तो हमें इसको बचा कर रखना है। और अब ठीक है, इलेक्शन का सिस्टम है हमारे यहाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, कि अगर मेरे 49 सीटें आए मेरे पास और किसी के पास 51 आ जाए तो सरकार उसकी बनेगी। दूसरा तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि जिसकी जितनी सीटें हैं उतना उसको पावर दिया जाए, उसको हिस्सा हो सरकार में। तीसरा लिस्ट सिस्टम है। अब हमारे यहाँ हमने अंग्रेजी सिस्टम एक ऊपर से लगा दिया है, उसी के ज़रिए चल रहे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा हमने जो हासिल किया है वो हमारा आईन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पिछले 70 साल से चल रहा है। इस वक्त जो हो रहा है वो हम उम्मीद करते हैं कि एक जैसे तारीख करवट लेती है, जैसे कोई ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो अरसे सालों साल तक शांत पड़ा रहता है, फिर भड़क उठता है नुकसान करके, फिर शांत हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं मौजूदा दौर ऐसे ही साबित हो। नुकसान हुआ है, लेकिन हम में इतनी कुव्वत है कि हम फिर खड़े हो जाएं, उस नुकसान की भरपाई कर लें। और इतना खूबसूरत मुल्क मुझे नहीं लगता मैंने दुनिया में कहीं और देखा है, जहाँ तरह तरह के लोग हों। मतलब मुझे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, मुझे उस पर फख्र है, उससे प्यार है। मेरा पाकिस्तान जाना लगा रहता है, मैं बहुत दफ़े पाकिस्तान हो आया हूँ, मेरी वाइफ भी पाकिस्तान गई है काफ़ी दफ़े। मैं पिछली दफ़े मैं गया था, फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल था, फैज़ साहब की छोटी बेटी हमारी दोस्त हैं, तो एक सेशन में मुझे भी हिस्सा लेना था, तो उसलिए गया था। उससे पहले मैं गया था, एक बुक रिलीज़ थी, हमारे दोस्त हैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई, एक हिस्सा उन्होंने लिखा था, दूसरा हिस्सा चौधरी एहतजाज आहसन, जो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में
एजुकेशन मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर थे, बहुत बड़े वकील हैं वो पाकिस्तान में और ज़मींदार हैं वहाँ। तो दूसरा हिस्सा उन्होंने लिखा था। उससे पहले मैं यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर बन के पाकिस्तान गया टू ओवरसी फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ देयर इलेक्शंस। और 2003 में जायद साहब और मैं हम इकट्ठे ही गए थे पाकिस्तान, आपको याद होगा 2003 की बात है, 14 साल पहले। वहाँ जाकर यही लगता है, मुझसे पूछा गया लाहौर के बारे में कि आपको लाहौर कैसा लगा, तो मेरा जवाब था टू मेनी मुस्लिम्स, यहाँ बहुत मुसलमान हैं। वो बोले क्या मतलब, मैंने कहा शहर इमारतों से तो बनते नहीं हैं, लाहौर कदीमी शहर है, इतना सदियों पुराना शहर है, इसे सिखों ने भी बनाया, हिंदुओं ने भी बनाया, मुसलमानों ने भी बनाया, शहर शहर बनते ही तब हैं, लोगों से बनते हैं, इमारतों से नहीं बनते हैं शहर। तो मैंने कट्टू मैंने मुस्लिम से, तो हमारे दोस्त समझ गए मेरा मजाक और वो हंसने भी लगे इस बात पर। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक रूपता जिसे हिंदी में बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, कि एक गुलशन में सिर्फ गेंदे के फूल खिलेंगे और कोई फूल नहीं होगा, पूरे मुल्क में सिर्फ गेंदे के फूल खिलेंगे, पूरा मुल्क सिर्फ ये पोशाक पहनेगा, पूरा मुल्क ये खाना नहीं खाएगा, ये खाना खाएगा, पूरा मुल्क एक जुबान बोलेगा। ऐसा चल नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमारी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, दे आर रिवर राइन सिविलाइजेशंस, नदियों के किनारे उनकी पैदाइश हुई है, अलग अलग जुबान है यहाँ पर, अलग अलग खाना है यहाँ पर। अगर मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है हिंदुस्तान को समझने के लिए या पूरा देखने के लिए, दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल हमने जो जो हासिल किया है वो हमारे सामने है, हमें जो जो हासिल करना है वो भी हमारे सामने, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है। 2019 में इलेक्शंस होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शंस होंगे। ये 2022 का जिक्र चलता रहता है आजकल, 2022 का जिक्र क्यों हो रहा है? क्या ये एंटिसिपेटरी बेल जैसे लोग ले लेते हैं, क्या ये एंटिसिपेटरी मैंडेट मांग रहे हैं कि 2019 में हमें ही जिताइए, उसके 3 साल के भीतर भीतर हम देश का चेहरा बदल देंगे। 1 साल 9 महीना और 1 आध हफ्ता रह गया इलेक्शन होने में, हमें सिर्फ जुमले मिले हैं, हमें सिर्फ रैलियां मिली हैं, इवेंट्स मिले हैं, और जो जो काम हो भी रहा है वो पुरानी स्कीम्स चल रही हैं, उनके सिर्फ नाम बदल दिए गए। ये भी हमारी एक डेमोक्रेसी की कमज़ोरी है कि हम बातों में आ जाते हैं, कोई भी बहला फुसला के हमें यकीन दिला सकता है किसी बात का। बाज़ दफ़े मैंने ये महसूस किया कि जो मजमा फरोश होते हैं, जो चूहे मारने की दवा भी बेचते हैं, एफ्रोडाइजियक्स मर्दाना ताकत की दवा भी बेचते हैं, वो भी परफॉर्मर होते हैं, वो भी एंटरटेनर होते हैं, वो आपको बातों में उलझाकर अपना माल बेच जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि 2019 में हम ज़रा एहतियात बरतेंगे, बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है। ये 70 साल अच्छे बीते हैं, बढ़िया बीते हैं, हम बहुत गरीब थे जब आज़ाद हुए थे, बहुत गरीब थे, आज बेहतर हैं, कहीं बेहतर हैं। और जो मैंने कहा कि 3 लेयर्स अगर आप बना लें, तो जो सबसे गरीब है आज भी वो अफ्रीका के गरीब देशों जैसी ज़िंदगी जी रहा है, मिडिल क्लास है वो साउथ ईस्ट एशिया के जो कुछ ममालिक हैं, इंडोनेशिया मलेशिया, उस तरह की ज़िंदगी है, उसके बाद यूरोप का कोई दरमियाना देश। अभी भी हम निकले नहीं हैं बाहर, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि अगर हम देखें पड़ोस के मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है वहाँ पर। चीन में तो कोर्सिव मेथड जिसे बोलते हैं, डंडे के जोर पर काम करवाए गए हैं। हमारी रफ्तार धीमी है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो आज़ादी है, हमारे जो हुकूक हैं, हमारा जो आईन है, हमारे जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा एक सिस्टम हमारे यहाँ पर है इस ढंग का कि हर एक के लिए जगह है यहाँ रहने की, इतना बड़ा मुल्क है ये, हर कोई रह सकता है, ये हमारी सबसे बड़ा हासिल है।
हमने हासिल किया पिछले 70 साल में। मैं चाहूँगा अगर कुछ पूछना, कोई सवाल पूछना चाहें तो ऑडियंस पूछने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे जी, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में जैसे बताया आप दूरदर्शन के आपने ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से तो मल्टी मिलियन कलर हैंड हेल्ड डिवाइसेस में आ रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी नज़र में क्या चेंज आए जब में हो रहा है? देखिए टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है वो तो आप जानते हैं, देख ही रहे हैं इस वक्त, तो मेरे टेलीफोन पे टेलीविज़न भी है और नेट भी है और न्यूज़ वेबसाइट्स भी हैं। पहले होता था कि मोहल्ले में किसी एक के घर में टेलीविज़न है और शनिवार को आधी फिल्म दिखाते थे और रविवार को बाकी की आधी फिल्म दिखाते थे, और हमारे घर के पीछे एक पोल्ट्री फार्म था सरदार साहब का, उनके यहाँ टेलीविज़न था, हम छोटे छोटे होते थे, 9वीं में पढ़ते थे या ऐसे था, तो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे कफलिंक्स लेके दिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, 007 लिखा हुआ था उस पर जेम्स बॉन्ड वाले। तो मेरे दोस्त 5-7 थे, हम फिल्म देखना चाहते थे आकाशदीप नाम की फिल्म, तो मुझे आगे किया गया कि तुम नेगोशिएट करो सरदार साहब से, तो मैं ऐसे करके खड़ा हुआ था उनको अपने कफलिंग्स दिखाते हुए कि हम ऐसे वैसे घरों से नहीं हैं, हम उन घरों से जो कफलिंग्स पहनते हैं। तो एक तो वो भी दौर था, अब एक ये भी दौर है कि कितनी इतनी बड़ी तादाद में चैनल्स हैं, ये तो टेक्नोलॉजी हुई। रही बात फ़र्क की, तो 3 साल पहले तक न्यूज़ चैनल्स हम चलाया करते थे, एडिटर्स चलाया करते थे, आज मालिकान चला रहे हैं। और न्यूज़ मीडिया टेलीविज़न का जो न्यूज़ मीडिया है उसका सबसे बड़ा मालिक आज के दिन मुकेश अंबानी है, उसके बाद चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हों या अरुण पुरी हों या कोई और हो, लेकिन ज़्यादातर हर जगह पर उनका कुछ ना कुछ दखल है रिलायंस का। तो ऐसे में जो हाल है न्यूज़ मीडिया का आपके सामने है, ज़्यादातर लोग जो एंकर्स हैं या एडिटोरियल वाले हैं सरकारी भी हो चुके हैं, दरबारी भी हो चुके हैं और खौफज़दा भी हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, छोटे शहरों से आए हैं, करियर बनाने के लिए आए हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग शरीफ लोग सहमे हुए हैं, क्यों, उनको घर की किस्त भी देनी है, फ्लैट की, गाड़ी की किस्त भी देनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, उनको माँ बाप को भी बुला लिया है यहाँ पर, किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि नौकरी छोड़े। ऐसे में लड़ाई या मीडिया जंग लड़ेगा, ये तो हम जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सरकार से कुछ लेने की, ये पद्मश्री भी कैसे मिला मैं नहीं जानता। 86 में मेरा नाम गया था पद्मश्री के लिए, तो मैं उस वक्त अमेरिका गया हुआ था, तो इनको फ़ोन आया होम मिनिस्ट्री से 86 में, उस वक्त मेरी उम्र थी 32 साल, आज मैं 63 साल का हूँ, तब इनको फ़ोन आया था कि मेरा नाम क्लियर हुआ है फॉर द पद्मा अवार्ड्स, तो वो मंजूरी लेते हैं पहले, तो फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया अमेरिका में, तो मैंने कहा मैं ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है, आई एम वेरी प्राउड, आई एम ए प्राउड इंडियन, आई लव माई फ्लैग, आई लव माई कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर साल जब राष्ट्रपति हमें बुलाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को चाय पर, तो मैं बड़े फ़ख्र से मैं लगा के जाता हूँ पद्मश्री। तो 86 में मेरा नाम आखिर में जाकर राजीव गांधी साहब ने हटा दिया कि विनोद इज़ फार टू यंग फॉर अ पद्मश्री। मेरा दिल तो क्या, मैं उनसे पूछूँ आर्ट यू फार टू यंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहरा, तो मैं उस वक्त थोड़ा दुखी हुआ था, उसके बाद मैं भूल गया, और इस दफ़े पता नहीं अपने आप से कैसे आ गया, वरना हमें सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, ना ही कभी नज़दीक गए हैं, लिहाजा हम बचे हुए हैं अपनी बात कह पाते हैं बिल्कुल, और हमने ऐसे इस तरह के मंसूबे कभी बांधे ही नहीं कि मेरा कोई एम्पायर हो 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का, ऐसे मंसूबे हमने बांधे ही नहीं, ज़िंदगी मेहरबान रही है, अच्छी कट रही है, अच्छी कटेगी, इतना ही काफ़ी होता है, शुक्राना बहुत बड़ी चीज़ है। तो फ़र्क आपने पूछा है, टेक्नोलॉजी के लेवल पर तो आप देख ही रहे हैं, एडिटोरियल के लेवल पर बहुत बड़ा फ़र्क आया कि 3 साल पहले तक अपनी बात कह पाते थे लोग, अब सब खौफज़दा हैं या खामोश हैं, दरबारी भी हो गए हैं, सरकारी भी हो गए हैं, कुछ ने तो वाई क्लास सिक्योरिटी भी ले रखी है, वाई या जेड क्लास सिक्योरिटी, सबसे बड़ा फ़र्क किया है। यही वजह है सर कि आप हालांकि सभी न्यूज़ चैनल से तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल न्यूज़ पेपर्स न्यूज़ चैनल से आप वापस आ रहे हैं, सबसे बेजार है कि आपने वायर शुरू किया, वायर शुरू किया सिद्धार्थ वरदराजन है मेरे कलीग हैं, वो एडिटर इन चीफ थे हिंदू के, हिंदू नाम के अखबार के, और एम के वेणु वो एडिटर इन चीफ थे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के, और सिद्धार्थ भाटिया वो एडिटर इन चीफ थे डीएनए के।
इन तीनों ने शुरू किया वायर, और फिर मुझे सिद्धार्थ ने कहा था कि हम हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं तो आप हमारे लिए वीडियो कीजिए। तो मैंने कहा भी करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं एक तरफा, हम जनगण मन की बात करते हैं। तो आपने खाने का भी जिक्र किया शुरू में, और आप एनडीटीवी पे मशहूर भी रहे हैं जायका इंडिया का शो से, आपके वाइफ यहाँ पे मिसेस दुआ साथ हैं, तो मौका है मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। डॉक्टर हैं जो, आप तो कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि हर जगह जायका आप चेकते रहे, घर से क्या प्रेशर रहा है? कोई भी प्रेशर नहीं, किस बात का प्रेशर नहीं, बिल्कुल नहीं, ही इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, कोई दखल नहीं है बिल्कुल भी। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग इन टीवी आल्सो, दैट्स राइट। एक आखिरी सवाल मैं करके ऑडियंस की तरफ करते हैं, बायस जर्नलिज्म का जैसा देखते हैं आप, ट्रायल बाय मीडिया का देखते हैं, इन इश्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है, स्टूडेंट्स के देखिए, एक तो मेरी एडवाइस ये है कि अंग्रेजी में कहते हैं वाइकेरियस सेंस ऑफ पावर, ताकत का एक नकली एहसास। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, लेकिन बहुत लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा भी है कई दफ़े कि जब राजेश पायलट, मरहूम राजेश पायलट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, तो दिल्ली में बीजेपी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसका नाम उन्होंने रखा था सांस्कृतिक पुनर्जागरण रैली। तो पायलट साहब ने दिल्ली पुलिस पे यकीन नहीं किया, मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त थे जनाब के पी एस गिल साहब, तब पंजाब पुलिस के डीजी थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने गिल साहब से कहा कि पंजाब पुलिस आप भेजिए यहाँ पर। तो मैंने उनको इंटरव्यू के लिए स्टूडियो बुलाया, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, वो बाहर निकले, मेरी टीम खड़ी हुई थी, 35-40 लोग थे, देखा मेरी टीम खड़ी है, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, अच्छा विनोद तुम भी बताओ यार मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो मैंने बहुत तमीज़ से उनका हाथ हटाया, मैंने कहा देखिए अगर मैं बेवकूफ़ होता तो मैं बता देता आपको, एक्सपर्ट्स आपके पास हैं, पुलिस आपके पास है, मैं मीडिया वाला हूं, मुझे क्या मालूम। तो ये एक होता है कि क्योंकि मीडिया की वजह से हम इन तमाम लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है कि हम भी इन्हीं के क्लब के मेंबर हैं, हम भी इन जैसे हैं, नहीं हम इन जैसे नहीं हैं। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा, आप अपना फासला रखिए नेताओं से, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इंटरव्यू चाहिए, सोर्स आप बना कर रखें उनको बेशक, लेकिन दूरी बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। सुनने में आ रहा है, लेकिन देखिए इनका तजुर्बा अमूमन मैंने देखा है कि 13 दिन की सरकार पहली दफ़े बनी थी, है ना, वाजपेयी साहब की, फिर 13 महीने की बनी, उसके बाद 99 में इनके पास मेजॉरिटी थी एनडीए के पास, लेकिन इन्होंने जल्दी इलेक्शन करवा लिए, तो असेंबली के इलेक्शन तो होने जा रहे हैं 2018 में, जल्दी करवाएंगे तो एक बार फिर ये अर्ली पीकिंग वाला खेल हो जाएगा, और शायद इन्हें लगता हो कि इस माहौल में दोनों निकाल दें इलेक्शन, हाँ तो यही मुझे लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने आया नहीं है। हाय, देखिए दो लफ्ज़ हैं, उरूज और जवाल,
मैंने ठीक बोला था? जवाल। तो ये भी कुदरत का एक असूल है कि जब किसी का जवाल होना होता है, चेक। हेलो। जब किसी को नीचे लाना होता है, इन ऑर्डर टू मेक द फॉल स्पेक्टेकुलर, बहुत ऊपर ले जाया जाता है। ये भी कुदरत का एक असूल है। आप जो बात कर रहे हैं, एक होती है बेशर्मी, बेहयाई, उससे अगली स्टेज होती है ढीठ हो जाना, ब्रेजन, एकदम ब्रेजन हो जाना। मैं अभी यहाँ आने से पहले टेलीविजन ऑन था, लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आई है यूपी चीफ मिनिस्टर की, जो इलेक्टेड नहीं है, उनकी स्टेटमेंट ये आई है कि जितनी भी मौत हुई है बच्चों की, इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है, अखिलेश यादव की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि गंदगी बहुत है। हालांकि वो 5 दफ़े वहीं से एमपी रह चुके हैं, गंदगी की वजह से मौत हुई है और किसी वजह से नहीं हुई है। तो वही है कि आप बर्दाश्त करें, थोड़ा पर्सीवेरेंस बोलते हैं, एवरी टनल हैज एन ओपनिंग आफ्टर ऑल। सॉरी, there's no trust there now. If you see that the trust which was there, like on judiciary system or other systems, was there till recent past, but it has gone now. नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना भी मतलब। Which report we should believe? देखिए, मैं आपको बताऊं, इतना भी नहीं है। जैसे अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने गुजरात में किया ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक उन्होंने प्रोविजन को इस्तेमाल करके 2 MLAs के वोट कैंसिल किए ना, कांग्रेस के 2 MLAs, हाँ, जो दिखा रहे थे बीजेपी वालों को कि हमने आपको वोट दिया है। उन्हीं का ही कहना है कि ये सब न्यू नॉर्म बनता जा रहा है, न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। आज के दिन जो सिर्फ जीतना ही, इलेक्शन जीतना ही मकसद रह गया है, और जो MLAs को तोड़ ले, उसको स्मार्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, उस पर लोगों को गुस्सा नहीं आता, मतलब नॉर्मल मानते जा रहे हैं। अब ऐसी आवाज़ें भी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले इलेक्शन जो भी होंगे, EVM के साथ साथ VVPAT मशीन्स, वोटर वेरीफाइड, पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वो मशीनें भी साथ में लगेंगी। अब हम ये मांग उठाने जा रहे हैं कि बेशक लगाइए, आप VVPAT भी लगाइए, लेकिन EVM पर ही सवालिया निशान लग रहे हैं इस वक्त, तो EVM को भी ज़रा चेक करवा लेते हैं कि वो हैक हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये जो है, ये अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं। और भी ऐसे हैं, जजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे जजेस भी हैं जो दरबारी नहीं हुए हैं, और आवाज़ें हैं जो उठ रही हैं, द वायर एक आवाज़ है, स्क्रोल दूसरी आवाज़ है, नेट पे सोशल मीडिया पर जाइए, आवाज़ें तो उठ रही हैं, ये तो होगा ही, मतलब आप नहीं दबा नहीं सकते आप, मतलब सो देयर इज़ नो, अब मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये दौर है, ये भी बीत जाएगा। सर, मैं मोहम्मद अमीन चैनल से, EVM के ताल्लुक से अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये टेम्परेबल है, और गवर्नमेंट को चैलेंज भी किया था, मगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रही है कि EVM को टैम्पर कर सकती है ऐसा बताने के लिए। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ है, तो अगला इलेक्शन भी जो है सिक्योर ना हो, इसकी क्या गारंटी हो? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैंने वही इनको बताया, हमारी मांग अब ये रहेगी कि EVM आप चेक करवा लीजिए। ये सौरभ भारद्वाज MLA हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने EVM का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, लेकिन वो वाली EVM नहीं थी जो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो उनका कहना है, उन्होंने मुझे बताया ये, कि आप हमें सिर्फ 90 सेकेंड के लिए EVM मशीन दे दीजिए, 90 सेकेंड, हम उसको हैक करके दिखा देते हैं। आई एम श्योर जब तक इलेक्शंस होंगे, अगर VVPAT आ गया है, तो EVM की भी एक दफ़े चेकिंग हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, यकीनन उठाएंगे, और भी उठाएंगे। Are we able to convey our viewpoint? Are we able to depolarize them? Are we able to put our problems before them through our Urdu press or the present media available with us? And what shall we do for that?
देखिए बेस्ट मीडिया फॉर अस टू अप्रोच द मेजॉरिटी कम्युनिटी शो अस कि वी आर आल्सो इंडियंस वी आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन इंडियन प्रोग्रेस वी आर नॉट हार्मफुल सर्टेनली नॉट या कंट्रीज एज मच योर्स एज माइन हाउ टू कन्वे दैट टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी द रेस्ट ऑफ द इंडियंस एंड पोलराइज देम मेजॉरिटी कम्युनिटी भी इस बात से मतलब सहमत नहीं है कि आप कोई बाहर से आए हैं या आपका ही आपका भी उतना ही मुल्क है जितना मेरा है हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम हेट्रेड का जवाब हेट्रेड से ना दें सोशल मीडिया पे जितनी गाली गलौज होती है उसका जवाब गाली से ना दें हम अपनी जो शालीनता कहें हमारी ग्रेस जो है हम उसको कायम रखें अपनी जगह पे कायम रहें और बाकी यकीन मानिए जो कलेक्टिव साइकी है इस मुल्क की अब जो मीडिया अवेलेबल है हमारे साथ मुस्लिम्स आर ओनली हैरिंग दैट उर्दू प्रेस एंड इवन मुस्लिम्स आर नॉट एबल टू रीड द उर्दू नाउ हमने दबाया हाउ कैन वी व्हिच मीडिया वी हैव टू टेक व्हिच लैंग्वेज वी हैव टू टेक टू कन्वे आवर व्यू पॉइंट टू अदर्स देखिए एक तो ये सब एक ये गलतफहमी है कि जो उर्दू है वो मुसलमानों की जुबान है यकीनन नहीं वो यहाँ की हिंदुस्तान की ज़ुबान है यहीं पर पैदा हुई यही पनपी और अभी तक चल रही है हमने अभी पिछले हफ्ते द वायर इंग्लिश में तो हम करते ही हैं द वायर हिंदी भी करते हैं हम जिसमें मेरा वीडियो आता है पिछले हफ्ते द वायर उर्दू लॉन्च किया हमने जनाब हामिद अंसारी साहब ने लॉन्च किया हमारे लिए ये जो इंटरव्यू आप देख रहे थे छोटा सा ये उसी के दौरान था द वायर उर्दू लॉन्च किया अब हम द वायर मराठी भी करेंगे हम तो ये मान कर चलते हैं कि सब हमारी इतनी सारी ज़ुबानें हैं ये सब अपनी हैं और जहाँ तक आपकी बात आप अपनी बात कह रहे हैं कि अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए कायम रखते हुए आप अपनी बात कैसे कह पाएँ देर आर इनफ हो रहा आप ज़रूरी है ये मेरा सवाल था हामिद अंसारी साहब से भी कि जो नई टेक्नोलॉजी है उर्दू को उसके साथ शाना पशाना होकर चलना पड़ेगा उर्दू ऐसी नहीं हो सकती कि कोई जो जैसे ट्रैवलर है या मुसाफिर है वो भागती हुई गाड़ी पकड़ रहा है नई टेक्नोलॉजी की ना तो नेट पे इतना सब कुछ है आप वहाँ अपनी बात कह सकते हैं आप जो अखबार है नेशनल पेपर्स में उनकी बात तो नहीं करूँगा सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ही एक मुझे लगता है जो अभी तक है अपने अपने असूलों पर चल रहा है जी आपने उम्मीद जताई है कि 2019 के इलेक्शन में शायद हम समझदारी से दानिशपति से काम लेते हुए हुकूमत को बदलने का कुछ काम करेंगे ऐसा कि वो दिन होगी लेकिन आप उम्मीद किससे लगा रहे हैं कि अगर ये लोग बदल गए ये हुकूमत बदल गई तो दूसरी आने वाली हुकूमत के हालात को सुधार देगी और उस तरह के कोई इम्कान नजर आ रहे हैं कि कोई लोग ऐसी पोजिशन में है कि कोई हुकूमत कायम कर मैं दो बातें आपको कहूँगा पहली बात तो ये है कि 1977 में जब मिसेज इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस किए थे उनको पूरा यकीन था कि वो जीतने जा रही हैं और वो अपनी सीट हार गई थी उसके बाद 2004 में इंडिया शाइनिंग जब इंडिया शाइनिंग का स्लोगन आया था उनको भी पूरा यकीन था कि इंडिया शाइन कर रहा है देयर इज़ अ फील गुड फैक्टर और वो जीत जाएंगे वो भी हार गए थे तो तीसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ह्यूब्रिस नाम का अंग्रेजी लफ्ज़ है जब आप पे पावर और पॉलिटिकल पावर और सत्ता का गुमान इतना हो जाए कि आपको दिखना बंद हो जाए तो वही जो जवाल जो हैं वो होना ही होता है पहली बात दूसरी बात हमारे यहाँ पंडित नेहरू के टाइम से कहते थे कि आफ्टर नेहरू हु आपको याद होगा आफ्टर नेहरू हु फिर उसके बाद ये 80s में नया लफ्ज़ आया टीना फैक्टर TINA देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव जो आज भी ये बहस चल रही है कि ऑल्टरनेटिव क्या है तो टीना जो होता है देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव दैट्स एन एंटी थीसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्टरनेटिव तो डेमोक्रेसी में ही निकलते हैं डिक्टेटरशिप में तो नहीं निकलते 1998 के इलेक्शंस थे उसमें मुझे याद है मैंने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करी थी वाजपेयी साहब की तो उन्होंने कमेंट किया था गुजराल साहब और देवेगौड़ा साहब की सरकार पर कि लोग मुझसे पूछते हैं कैसी सरकार है 12-12 पार्टियों की सरकार है 13-13 पार्टियों की सरकार है और तब मैंने कहा था कि हो सकता है आप 22 पार्टियों की सरकार बना लें अब किसी को मालूम था कि 12 पार्टियों की सरकार भी बन सकती है ऑल्टरनेटिव निकला ना किसी को मालूम था कि 24 पार्टियों की सरकार भी बन सकती है ऑल्टरनेटिव निकला ना जी ऑल्टरनेटिव निकला ना जी लेकिन ये जितनी मिसालें दी आपने उन जमानों की दी उन लोगों की दी जिनमें कुछ शराफत बाकी
अब ऐसी कोई चीज का खतरे कोई इम्कान ही नहीं। बड़ौदा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे साहब को जीतना था तो खामोशी से हमारी कम से कम हमारी कौम के लोगों को मैसेज चला गया कि भाई वोटिंग करने मत जाओ क्योंकि 5 लाख के मार्जिन से जीतना है। अब तो कहने का मतलब ये कि इस तरह की गुंडागर्दी वाली जब इलेक्शनियरिंग होगी तो उसके अंदर इम्कान नहीं है कि कोई सही ऑर्डिनेट उभर के आए और ये अच्छे दिनों के लिए वो पुराने लोग किस कदर जिम्मेदार हैं जरा उस पर भी दाजिए। नहीं ऐसा ना हो कि हम ये इंप्रेशन लेके उठे कि उनके उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे के जा रहे हैं। नहीं क्लीन चिट किसी को नहीं देख रही। मैं तो सिर्फ इतने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी मतलब हम उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं, ना उम्मीद कभी हुए ही नहीं है। हमने पहले भी तब्दीलियाँ देखी हैं जब बिल्कुल कन्विंस हो गए थे लोग। मैंने इसलिए ये आपको मिसाल दी जो मिसेज इंदिरा गांधी की और फिर फील गुड फैक्टर की और वगैरह वगैरह, ये सब कन्विंस थे कि मतलब हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन नतीजे उल्टे आए ना। तो ना उम्मीदी तो हमने कभी करनी ही नहीं है ना, और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है। मुझे ना जाने मुझे क्यों जी मुझे क्यों लग रहा है कि 2019 के इलेक्शन कुछ वैसे ही साबित होंगे जैसे सन 77 के और 2004 के। सर मुझे ये मुश्किल है लास्ट 3 ईयर्स में ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो हालात मुसलमानों और दलितों और ईसाइयों के साथ हुए हैं जो हो रहे हैं खास करके नॉर्थ इंडिया में, वो चाहे वो गौकशी हो या दूसरे कोई इश्यूज हो, तो ऐसे वक्त में मुसलमान एक खौफ का आलम भी है और बरहमी भी है, लेकिन मुसलमानों के जो जिम्मेदार लोग हैं या कायदीन हैं या तंजीमें हैं ऐसे वक्त में सब लोग खामोश हैं। तो अब ऐसे वक्त क्या करना चाहिए क्योंकि जब भी हम जब सुबह अखबार देखते हैं तो लगता है किसी को ट्रेन में मार दिया गया ये गांव के नाम पर इस नाम पर, तो ये एक अजीब सा माहौल भी बना हुआ है। तो अब इस वक्त अब यहाँ आने वाले एक 8-10 दिनों के अंदर जो है एक ईद भी आ रही है जिसके अंदर जो है जानवर काटे जाते हैं, तो अब पूरे मुल्क के अंदर जो है अभी से कुछ जो है बयान शुरू हो गए हैं कि अब ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो ऐसे वक्त में मुसलमान तंजीमों को या उनके कायदीन को क्या करना चाहिए जो 3 साल से सुन बर्दाश्त कर रहे हैं हर तरह का चाहे वो अखलाक हो या मुजीब। देखिए 31% वोट पड़े थे इन्हें, ठीक है, और ये भी खौफ ज़्यादा है अंदर से कि अगर 2% वोट का भी स्विंग हो गया दूसरी तरफ तो इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। ये हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि 360 सीटें और वगैरह, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक एक भी टर्म इन्होंने मुकम्मल नहीं की है जितनी दफ़े भी आए हैं, पहली बात तो वही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अब जाकर थोड़ी फुसफुसाहट जैसे कहते हैं वो शुरू हुई है मिडिल क्लासेस में कि भाई वो नहीं हुआ जो हमने सोचा था, अब जाकर ये रियलाइजेशन अब शुरू हो रहा है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो आपसी गुफ्तगू हो, या उनको समझ में आ रहा है कि भाई 1 साल 9 महीने रह गए हैं सिर्फ, जो जो वादे हुए थे जो हाँ उसमें से कुछ हमें हासिल तो हुआ नहीं है, तो अब बोलना भी शुरू हो रहे हैं लोग। तो ऐसे ही इसी तरह से बनता है जब तक इलेक्शंस आएंगे 2019 में। अब क्योंकि जो हम लोग लिबरल हैं सेक्युलर हैं इसलिए बाय डेफिनेशन हम मिलिटेंट हो ही नहीं सकते कभी, हमारा हथियार वोट है। और वैसे भी इस मुल्क में मेरे ख्याल 3 किस्म की ताकतें हैं, एक तो पैसे की ताकत, दूसरी तालीम की ताकत, तीसरे वोट की ताकत। जो पैसे वाले हैं उनके पास तालीम ना हो उनकी ज़िंदगी बढ़िया बीत जाती है और वो वोट डालने नहीं जाते हैं। जिनके पास तालीम है हम जैसे लोग, हम तालीम के ज़रिए अपने पैसे का इंतज़ाम करते हैं रोज़ी रोटी का लाइफस्टाइल का, हा? और हम भी हम में से भी बहुत कम लोग जाते हैं वोट देने के लिए। जिसके पास ना पैसा है ना तालीम है सिर्फ वोट है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, उसके पास इकलौती ताकत वही है। तो हमें यही लगता है कि वोट की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम हथियार नहीं उठा सकते अपने ही लोगों के खिलाफ, मैं सेक्युलर लोगों की बात कर रहा हूँ जो लिबरल भी हैं सेक्युलर भी हैं, हम अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते। लेकिन जैसे मैंने शुरू शुरू में कहा जो एक ही सोच में पले बड़े हैं जिनके दिमाग प्रोग्राम्ड हैं वो ये सब करते हैं, अब वो आए हैं चलिए इनका भी दौर देख लेते हैं, सिर्फ 1 साल 9 महीने रह गए। सर मेरा नाम अब्दुल खादर है, मैं इस जगह तालिब इल्म हूँ मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से, यहाँ सिद्धानी पूरे हमारे साथी बैठे हैं। मेरा सवाल ये है कि उर्दू जर्नलिज्म
का क्या मुस्तकबिल है, उसका क्या स्कोप है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आपका कोई टीवी चैनल अखबार क्यों नहीं है, क्योंकि आपके साथियों का? जी, पहली बात तो जितने भी साथियों का है उनमें से बहुत के खिलाफ इंक्वायरीज भी चल रही हैं इनकम टैक्स की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, रेड्स भी होती हैं उनके यहाँ, और जिस तरीके से चैनल बनते हैं और चलाए जाते हैं वो हमारे बस का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने मुस्तकबिल की बात की उर्दू जर्नलिज्म के, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, मैं फिर कह रहा हूँ, जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ शाना बशाना चलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के कमेंटेटर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था तो तुर्की के खलीफा ने ये फतवा जारी किया था कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिहाजा पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए नॉलेज फैल गई, ज्ञान फैल गया, हाँ तालीम बढ़ी, आगे नए नए इन्वेंशंस हुए, यूरोप कहाँ से कहाँ निकल गया आगे। तो जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसको तो अपनाना ही पड़ेगा किसी को भी। तो जैसे हमने अब शुरू किया, उर्दू में शुरू किया हमने, नेट पे आप जाइए देखिए द वायर उर्दू डॉट कॉम, माता वाले उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और बहुत अच्छी तरह से उसकी शुरुआत हुई है, तो और भी करेंगे, सोशल मीडिया भी होगा। सर आप मानते हैं कि जी 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 मैम, गुड आफ्टरनून सर, आई एम फॉर द ऑफिस since we talk about the largest democracy in the world, so my question is that what about the social media ban, print media ban from time to time, and 8 months prepaid mobile ban in Kashmir from last 1 year, and news flow from electronic media, especially the unbalanced, we can say the hollow statements they are making, and the hate monger journalism which they are trying to create. So what kind of journalism is this? What kind of what kind of journalism they are promoting, especially in the electronic media? And what's the force behind this? What compel them to shout on the issues like triple talaq, Kashmir, or any other, Gaurakshak? Why are they doing surgical strikes in television rooms on this? जी, वाई आर दे डूइंग, इसका जवाब मैं वैसे पहले दे चुका हूँ। मैं कह चुका हूँ पहले कि 3 साल पहले तक एडिटर्स चलाया करते थे न्यूज़ चैनल्स, अब मालिक चला रहे हैं, ठीक है जी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, खौफजदा भी हैं लोग, डरे हुए भी हैं। तीसरी बात, सरकारी भी हो गए, दरबारी भी हो गए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, ये टेम्परामेंट की बात भी होती है। और सन 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए थे और बॉम्बे में एक बहुत बड़ा कांग्रेस का हुआ था कन्वेंशन, तो मेरे साथ एमजे अकबर थे, हम बॉम्बे में थे उस वक्त। तो एमजे रात को बोले कि एक आइडिया है कि सबसे पुराना जिंदा कांग्रेसी बगल में रह रहा है एकदम ब्रेबोन स्टेडियम के, जहां पर कांग्रेस का था, तो हमें उनसे पूछना चाहिए जाकर, मैं कौन कौन कांग्रेसी सबसे पुराना, बोले मोरारजी देसाई, वो मरीन ड्राइव पे ओशियाना नाम की बिल्डिंग में रहते थे। तो हमने टाइम फिक्स किया और हम वहाँ पहुँचे, तो अकबर साहब उनसे बात कर रहे हैं, बात करते करते उनके मुंह से निकल गया, बट नेहरू हेटेड यू। तो मोरारजी देसाई एकदम जैसे ना डैश में आ गए, बोले नो, नेहरू नेवर हेटेड मी, वी डिसएग्रीड विद ईच अदर, नेहरू नेवर हेटेड मी, ही वॉज अ ट्रू डेमोक्रेट। ये मोरारजी देसाई कह रहे हैं जो जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने थे। एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट भी होता है कि आप जो बात कह रही हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको अपनी बात रखने का हक है पूरा पूरा, मुझे अपना जवाब देने का हक है, हम इसी तरह से रहते हैं। मौजूदा दौर ऐसा नहीं है, मौजूदा दौर यह है कि मेरी बात है बस वही चलेगी, ठीक है, और उसी वही चलेगी के चलते, उसके कारण, उसकी वजह से एक तो लोगों की पहचान हो रही है कि किस में कितनी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, पता चल रहा है साफ साफ कि कौन कितना दरबारी है, कितना सरकारी है। तीसरी बात यह है कि जो क्रेडिबिलिटी होती है, मतलब जो यकीन करना होता है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। लोगों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की, अब चलाए जा रहे हैं ये और बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि
نکلتے ہیں لوگ انہیں میں سے ہی نکلتے ہیں ینگسٹرز میں سے ہی نکلتے ہیں موجودہ دور جو ہے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہم اسے انگریزی میں موک پارلیمنٹری کاک فائٹنگ کہتے ہیں جیسے مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ موک پارلیمنٹری کاک فائٹنگ ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں اینکرز پارٹیسپینٹس چیخنا چلانا ہم اس اسکول کے نہیں ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسکول کے نہیں ہیں تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سر میرا نام آصف علی ہے میں یہاں کے اردو چینل روبی چینل سے تعلق رکھتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے روایت کا آغاز جو اردو میں کیا ہے اردو والوں کی جانب سے میں مبارکباد دیتا ہوں اس سے قبل سیاست کی کافی خدمات رہی ہیں اگر آن لائن پورٹل کا ہم دیکھیں تو سیاست ایک بڑا پورٹل مانا جاتا ہے جو دنیا کے تمام ہی ممالک میں جو ہے بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے سر روایت کے تعلق سے آپ نے حال ہی میں جب انوگریشن اپنے دور میں جب تھے نائب صدر جمہوریہ تب ویسے وقت بھی وہ دے سکتے تھے آپ کی اپنی پرسنل رائے میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں سارے صاحب کو وہ کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی پولیٹکس نہیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد اس جنگ سے نہیں رہا ہوگا اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بحیثیت وائس پریزیڈنٹ وہ صلاح دے سکتے تھے سرکار کو کہ ماحول ایسا بنائیے کہ جو مائنورٹیز ہیں خاص کر مسلمس وہ انسیکیور اور ایلینیٹڈ یہ دو لفظ استعمال کیے تھے انہوں نے مسلم فیلنگ انسیکیور اینڈ ایلینیٹڈ کہ آپ ماحول ایسا بنائیے آخری دن ہے تو میں آپ کو یہ صلاح دے کے جا رہا ہوں ماحول ایسا بنائیے کہ جو مسلم سماج ہے وہ خود کو ایلینیٹڈ اور انسیکیور محسوس نہ کرے وہ یہ کہہ سکتے تھے بہرحال اگر انہوں نے جو کہا اس میں بھی مجھے کوئی برائی نہیں لگتی کیونکہ ان کے ذہن میں تھا اور وہ کبھی بھی نہیں جانے گئے کہ وہ کوئی چھوٹے لیول کی پولیٹکس کرتے ہوں یا اس دن سے ان کی پہچان ہے بھی نہیں سر اس کا جواب میں نہیں دے سکتا سر جی ایس ٹی انڈیا میں کامیاب ہو گیا دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ جتنا بڑھ چڑھ کر اس کا بخان کیا جا رہا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آیا ہی ہے ابھی آپ نے اس کو پی ایچ ڈی دے دی ہے پہلے ہے نا کیونکہ ابھی آج کیا تاریخ ہے آج 19 تاریخ ہے پہلی ریسیٹ جو ہے وہ کل فائل ہونی ہے 20 تاریخ کو 20 تاریخ کو پہلی وہ فائل ہونی ہے ریسیٹ وہ بھی پروویژنل ہوئیں گی جو ریٹرنس کل فائل ہوئیں گی نا پہلی 10 اگست کو ہونی تھی سافٹ ویئر تیار نہیں تھا 20 تک ملتوی کر دیا اور وہ پروویژنل ہوئیں گی ابھی ستمبر میں جا کر فائنل ہوئیں گی اس کے بعد کم سے کم تین یا چار سائیکل ہوں گے جی ایس ٹی کے تب جا کر پتہ چلے گا کہ کتنا کامیاب ہو رہا ہے لیکن یہاں پر وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی بچہ نیا نیا دنیا میں آیا ہے آپ نے آتے ہی اس کو پی ایچ ڈی بھی دے دی اور بھارت رتن بھی دے دیا کہ دنیا والے بڑی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے میری خواہش ہے کہ وہ سوالات اپنے رکھیں جی. اس کے بعد ہم پھر سیشن کنٹینیو کریں گے خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی شوال کوشی اور نہیں ابھی کرا تو یہ آپ کچھ پوچھنے تھے دیکھیے پورا قابو میں کیا ہوا ہے اس وقت تو میڈیا میں نے آپ کو بتایا نا اور جو مالکان ہیں جو خاص کر ٹیلی ویژن چینلس کے وہ سرکار کے ساتھ ہیں اور جو چلانے والے ہیں میڈیا جو نیوز روم چلاتے ہیں جو ایڈیٹوریل لکھتے ہیں ان پٹ ایڈیٹرز آؤٹ پٹ ایڈیٹرز وہ خوفزدہ ہیں ڈرے ہوئے بھی ہیں من مار کے کام کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں اب یہ دور چل آیا ہے موجودہ ہم نے تو اب جب ہم نے شروع کیا تھا ہم تو اسے وہاں تک لے گئے تھے کہ اگر کسی منسٹر کو فون جائے کہ میرے پروگرام میں انٹرویو کے لیے آنا ہے تو تھوڑا وہ سوچے 10 دفعے تیاری کر کے آئے ایسا ہوا ہے کئی دفعے کہ راستے میں سے واپس بلا لیا گیا کہ ان کے انٹرویو دینے جا رہے ہو واپس آؤ پارٹی ہیڈ کوارٹر سے فون گیا تو ہم تو وہاں تک لے گئے تھے میں اور میرے اور دوسرے لوگ زیادہ سبھی ذکر کر رہے تھے میرے ساتھ کے اور جو لوگ ہیں اب بالکل یہاں پر آ چکا ہے کہ
जैसे हमारे एक कलीग कहते हैं गोदी मीडिया हो गया, गोदी में बैठ गया जाकर, अब ये भी दौर है। नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल्स हैं। जैसे कि आपने कई सालों से पत्रकारिता की है और कई सरकारों को देखा है, वर्तमान में जो सरकार है उसे आप कैसे अलग देखते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मौजूदा जो है निज़ाम, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मुकम्मल है। तीन लोगों के हाथों में सरकार भी है और पार्टियां भी, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है पिछले तीन साल में। तो ये समझ लेना मेरी बात, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। एक जब हम एमए में पढ़ते थे तो हॉस्टल की लाइब्रेरी के लिए किताबें चुननी थी, उसमें हमने एक किताब ली थी द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, कि जब कैनेडी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने जो टीम बनाई थी अपनी, द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट लिए थे। तो इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, ये अच्छी टीम से ही चल सकते हैं जिसमें बेस्ट हों ब्राइटेस्ट हों, तीन लोगों से नहीं चल सकते हैं। आपकी नज़र में सबसे बड़ा नुकसान देश का? नौजवानों में मायूसी आई है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है वगैरह वगैरह, हाँ जो मायूसी होती है ना कलेक्टिव, और नौजवान नुकसान हुआ। सरकारें जो चलती हैं, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, आप सीनियर हैं, आपको बताने की कि मतलब क्या करना चाहिए, आप सीनियर हैं। दूसरी बात यह है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर भी काफ़ी हद तक मुनसर है कि वो किस तरह का मुल्क चाहते हैं। मैंने खुद सुना है एक बहुत बड़े नेता को कहते हुए कि हम तालीम नहीं दे सकते हर एक को, वरना जिनको हम तालीम देंगे वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, उनके लिए इतनी नौकरियाँ हैं नहीं, तो उनको वहीं रहने दो। ये मैंने सुना है, तालीम भी एक क्लास प्रिविलेज है, तालीम भी एक क्लास प्रिविलेज है, जैसे सेहत क्लास प्रिविलेज है। यू हैव टू बी रिच टू हैव गुड हेल्थ, यू हैव टू बी रिच टू गेट गुड एजुकेशन। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कॉलोनियल सिस्टम चलता आ रहा है, लॉर्ड मैकॉले वाला, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई। एक फ़र्क इतना आया कि पंडित नेहरू ने दूरंदेशी दिखाते हुए हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटीज़ में। अब मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, ठीक है, फ़ीस कितनी थी आपकी मैम? 250 रुपीज़, 250 रुपये देते थे हम पूरे साल की फ़ीस, 20 रुपये महीना, यानी 250 रुपया फ़ीस MBBS की पढ़ाई के लिए। इसका मतलब कोई और पैसे दे रहा है ना, जो खर्चा हो रहा है तो कोई और पैसे